देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह आज तो विलन लग रहे हैं। अरे यह जो विलन बिल्ली दे डर तो रिकॉर्डिंग ते नहीं जाते पे ना जाए। ऐसे बंदे इतवार को अपने बच्चे स्कूल से लेने चले जाते। यह जो बंदे ना अपनी गड्डी अपनी दीवार च मार देंगे तो पूछो ना ये की कीता मैं चेक कर रहा हूं दीवार मजबूत बनी कि नहीं बनी। अच्छा इस तरह के बंदे अपनी मोटर नहीं ठीक कराते, ये सोचते रहते हैं बारिश होएगी तो ना आवांगे। आज आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं वासे भाई भी माशाल्लाह एक जैसे हैं, एक जैसे कपड़े पहने हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट पहना हुआ है मेरा तो, कहीं व्हाइट नहीं है। तुसी जिन्ना मर्जी क्रीमा भी ला लो नहीं हो सकता व्हाइट। आ दोस्त आ जिन्ना दा मेकअप कूचियां दे नाल हुंदा सफेदियां वाली ना नहीं जड़ियां। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए बने हैं चौथी दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद नईम सफदर अंसारी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस सुकैना खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों गेस्ट बिल्कुल यंग हैं। आज के हालात पे शेर लिखा है नईम भाई आपके लिए, खास तौर पे नुसरत सिद्दीकी साहब का शेर है जी। आए, आए, आए। अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, आज एक ताजा गजल कही है मैंने। किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। आए, आए। इस बार हुकूमत बेहतर चला रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रही उनको समझा रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए नहीं भाई ये सोलर पे टैक्स कब लगा रहे हैं? सुकैना क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कराची से आप आई, ठीक ठाक थी फ्लाइट? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी फ्लाइट थी। बहुत अच्छी फ्लाइट कैसे होती है? वो इसीलिए थी कि लोग हमारे जब रुक जाते हैं तो वो उतरने की करते हैं, और इत्तेफाक ऐसा था कि जब सब खड़े हुए तो उन्होंने कहा वापस बैठ जाएं क्योंकि दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा। तो इसलिए और टाइम लगे होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी फ्लाइट। ये कहना पड़ा आखिर में उनको धमकी देनी पड़ी कि वापस बैठ जाएंगे। वैसे वो नहीं बैठ रहे थे। नहीं वैसे नहीं बैठ रहे। कहना आजकल कौन सा ड्रामा चल रहा है आपका? घाटा और सल्तनत। वैसे भी नून लीग की हुकूमत है, सल्तनत में घाटा चल ही रहा है। सर क्या हाल चाल है नईम साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं। सर चौथी दफा एम पी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करो। ये आदत आप कब छोड़ेंगे? जब अपनी मर्जी से जीतेंगे। बात को मैं भी जवाब देता हूँ। जरूर दीजिएगा, आपने सारे दे के जाने, बल्कि मेरी तरफ से वापसी में गाड़ी बिठा के साथ ले जाइएगा। इनके लिए हमारी गाड़ी की जरूरत नहीं, इनका दूसरी गाड़ी की जरूरत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है, मेरे वालदैन की दुआएं हैं, और सबसे बढ़ के इससे मेरे हलके के ऐसे अवाम दोस्त अहबाब जो ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि अपने शहर के अपने हलके के साथ कमिटेड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे आपने खुद ही फरमाया कि ये चौथा टर्नओवर है हमारा लगातार इस मामले में, मतलब कुछ ऐसा होगा जिस पे अवाम एतमाद कर रही है। हाँ जी, मगर ये इंटरेस्टिंग नहीं, बिकॉज ये चार टर्नओवर्स का मतलब है कि 2018 2013 2008 एंड देन नाउ 2024, तो जितने भी इसमें सियासी अदवार थे और जो माहौलियाती चेंजेस आई सियासत में, चाहे वो मुझे क्यों निकाला की थी या इसे क्यों निकाला, आप माशाल्लाह जीतते रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट कसूर ही, मैं तो चूंकि सिटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे 85 से PMLN की गवर्नमेंट चलती है। दरमियान में एक टर्नओवर थोड़े से टाइम के लिए आया था, वो भी हमारे आपस के इख्तलाफ की वजह से बना था। तो ये इसमें ज़्यादा अमल दखल जो है वो पार्टी का है, फिर उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस कोशिश करते हैं जी। जो दोस्त अब आप एक मैंडेट आपको देते हैं उसका आप एहतराम करें, उसका एहतराम यही है कि आप उनकी खिदमत करें। बदकिस्मती से जब मैं सियासत में आया था उससे पहले जो शहर की हालत थी, जो हल्के की हालत थी, वो आप किसी को दिखा बता भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर आपके सामने है। मैंने से पूछा मैं पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, कहते वाम की खिदमत हो रही है। नहीं, एक चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस जो मैंने आपको, क्योंकि आपसे काफ़ी मुलाकात रही है हमारी, मैंने देखी है, सबसे पहली जो चेंज मैंने नोटिस की, काफ़ी तब्दीली आ चुकी हुई है कुछ डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे।
ये इलेक्शन का कमाल है जी. इलेक्शन का कमाल नहीं, मगर यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट फर्स्टली. हाँ जी, बस वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डाइट के हवाले से थोड़ा सा. मतलब डिलिब्रेट था ये आपका? जी बिल्कुल, ऐसे वो आपको पता है दरमियान में ये एक ऑपोजिशन का दौर भी गुजरा है ना. हाँ. तो वो फिर खाना शाना आप खुद से मैनेज करना आपने बड़े मुनासिब तरीके से. आप समझ रहे हैं जो कहना चाह. अच्छा, तो ये वजन ऑपोजिशन के दौर में गिरा. ऑपोजिशन के, और इसके बाद दरमियान में यही सिलसिला था कि इलेक्शन कैंपेन आ गई. आपको पता है फिर ये दो तीन महीने जो होते हैं बड़े टफ होते हैं, तो अल्टीमेटली वो वेट. मगर मुझे याद है लास्ट टाइम जब आप आए थे आप तो बड़ा जिम शिम भी बड़ा किया करते थे एंड आप बड़ा मसल गेनिंग की तरफ थे, तो यहाँ तो आपने बिल्कुल एक और साइड अपनी. सर जिम छोड़ देता हूं ना, जिम पीटीआई लेने खरीद ले. बस आप बड़ा मुस्कुराई इस बात के ऊपर, लगता है आपका सियासत में इंटरेस्ट है. नहीं, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं पीटीआई की सपोर्टर. ये बताइए आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं हो सकी. नहीं. और इससे पहले वैसे कभी पॉलिटिशियन से मिली हैं आप? हाँ, एक बार आप ही के शो पे आई थी. हम ही मिलाते तो हैं जी. उन्हीं के साथ हुई थी मेरी मुलाकात. उन्हीं के साथ हुई थी वो, तो आखिरी मुलाकात थी. आखिरी मुलाकात वैसे ही लग रहे हैं जैसे वो वाले थे या ये कोई डिफरेंट है? मुझे तो सब सेम ही लगते हैं, सब पॉलिटिशियन सेम. क्या होते हैं वैसे? क्या आपके ज़हन में सेम सब मोटे होते हैं, उनके पेट बाहर निकले होते हैं और... ये आपको वही वाले लग रहे हैं? वही तासर ज़ाहिल करने के लिए काम किया है. मगर नहीं, आपको वही वाले ये लग... भी वही लग रहे हैं. ये बेचारे कहां से, मैं तो कह रहा हूं उनका वजन इतना गिर गया और... क्योंकि मैंने पहले इन्हें नहीं देखा था. हां, मगर बड़ा इनका लाइक ही वाज लॉट इनटू इनके बड़े. नहीं, पॉलिटिशियन का ये भी होता है कि इनके जो वार्डरोब होते हैं सबके सेम होते हैं, उसी तरह पहनना. वो तो आप क्या चाहती हैं कि क्या ये बर्मुडा शॉर्ट्स के अंदर आ जाए? मतलब अच्छा, क्या आप इमेजिन करती क्या है? आपका दिल क्या कहता है कि क्या कैसे होने चाहिए पॉलिटिशियन? जैसे एक नॉर्मल, जैसे अब इन्होंने पहनी है, देखिए किस तरह मैचिंग की है मेरे साथ. एक नॉर्मल सी शर्ट पहनी है, तो ये भी एक नॉर्मल शलवार कमीज पहन सकते हैं. ऊपर जरूरी है ये पहनना. नॉर्मल क्या, मियां जी को कॉपी करते हैं, सब उन्हीं के नक्शे कदम पे जा रहे हैं. तो शायद अच्छा, तो मियां साहब को कॉपी कर रहे हैं आपको लगता है ये? हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि अब ऊपर जो, I'm sorry, आपको इतने पसीने क्या आ रहे हैं? वो इनको किसी और वजह से आ रहे हैं, मगर आप बताइए. हाँ, मैं कहती हूँ कि आई थिंक अपने लीडर को फॉलो करते हैं, तो वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है सब पॉलिटिशियन सेम. ड्रेस कोड है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो का कि ये, और एक नेशनल ड्रेस भी है, उस वजह से भी शायद ये सारे पॉलिटिशियंस आपको मोस्टली वेस्टकोट और शलवार कमीज में नजर आते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रेस एज वेल. मगर मुझे बताएं कि, मगर वो मुझे जो लग रहा है कि चाह रही हैं कि शी वांट्स टू सी यू गाइस इन शॉर्ट्स. ये चाह रही हैं. अच्छा, ये उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि ये नहीं चाह रही हैं कि आप शॉर्ट्स के अंदर हो. और आपको नहीं चाहती? नहीं, आपने खुद ही कहा शॉर्ट्स. ये तो कुछ भी खैर पहनी, मतलब आप सोचे क्या जबरदस्त माहौल होगा कि शॉर्ट्स के अंदर तमाम एमपी पंजाब असेंबली पहुंचे, उन्होंने ऊपर टी शर्ट पहनी हुई हो, नीचे जॉगर्स हो, और मलिक अहमद खान साहब दरवाजे में खड़े होकर सबको कहे आ तेन मौज करावा. सुखना ये सही रहेगा सर? फिर फिर असेंबली भी किसी बीच से होनी चाहिए. मतलब इस किस्म का माहौल चाह रही है, ताकि फिर देखने में भी मजा आए ना, क्योंकि जब आप न्यूज लगाते हैं तो वही डिप्रेशन वाला माहौल होता है, सब ऐसे बैठे होते हैं. देखने में मजा आए, इसलिए सर आप लोग कुछ करिए प्लीज. इनके मजे के लिए हम सारा अपना सेटअप चेंज कर कुछ ऐसा ही गेटअप चेंज करें आप प्लीज. गेटअप में कोई देखें, ये कुछ चीजें आपके सिस्टम के साथ मंसलिक होती है, तो वो उन चीजों को मद्देनजर रखें, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है. आप जो कह रहे हैं ना, इसी हवाले से ये ड्रेस मेरे अपने भी फेवरेट नहीं है. मैं नॉर्मली ज्यादा पैंट शर्ट में ही रहता हूँ, लेकिन ये कह लें कि सियासत की, हल्के की और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड है. अब आपको कहीं सोच के लिए जाना है. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्चुअली इतनी आपकी रोज़ पब्लिक मीटिंग्स होती हैं और वो सबके दरमियान में, तो अब ये तो है नहीं अब एक्टर्स की तरह कि वो गाड़ियों में पीछे कपड़े लेके फिरें कि अब ये वाला मौका है, तो इसके हिसाब से कपड़े. गाड़ी तो फिर छोटी होती है, इन लोग की तो फिर भी बड़ी होती है, और शायद चार चार होती होंगी. चार चार गाड़ियाँ, ये भी आपको पता है आपके पास चार गाड़ियाँ? सर सर जैसे ये कह रही है, अल्लाह ताला दे दे इंशाल्लाह, हमें तो कोई इतराज नहीं, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है. लेकिन मगर ये कह रही है कि आपके साथ चार चार गाड़ियां फिरती हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जैसे ख्वाहिश है कि चार गाड़ियां हो. सियासतदानों की चार गाड़ियां नहीं, मैं चार शादियां देख रही हूं. ये भी क्लियर कर दीजिए. इनका अपना जाती को शौक होगा जी हमारे. मेरा जाती शौक नहीं भाई, पूरा हो ही नहीं रहा, मैं तुम कह रहे हो. वो तो पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं जी. मगर वैसे मैं एक चीज नोटिस करता था कि उन्होंने सिर्फ आपकी नहीं ड्रेसिंग, उन्होंने ये भी नोट किया कि आपने मैचिंग की हुई उनके साथ. ये क्या आज कपड़े मिल गए, इंशाल्लाह दिल भी मिलेगा. मुझे पता था यही डायलॉग आना. मगर सुकैना, क्या आपको पता था कि ये इस रंग के पोलो शर्ट? बिल्कुल पता था. आपको पता था? बिल्कुल पता था, इन्होंने मुझे खुद बताया था. हाँ जी, ये मेरी फर्स्ट कजन है.
मैंने अपनी फूफो को फोन किया कि बेटी को बता दे मैंने ये शर्ट पहना है। चलो ठीक है, तुम्हारी जुगत अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें हकीकत पे भी छोड़ दिया करो। आप खुद अपने ईमान सब शक्ल देख के बताएं, लगती है इनकी फूफो की बेटी? दसो, शाबाश, तुसी भी इंशाल्लाह मेरी तो जवाद अहमद की पार्टी जाओ। नहीं सब अपने मान सच सच बताना है आपने कि किसको ज्यादा बेहतर लग रहा है। तुसी शरीफ आदमी जे सही दसो। अगर सही पूछे तो मुझे तो वही ज्यादा अच्छा लगा। वेलकम बैक जी रीच। सर आप ड्रामास या मूवीज देखते हैं? अब तो खैर मुनासिब टाइम मिलता है, लेकिन पहले थोड़ा देख लेते थे। कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? मुझे नाम नहीं आते, बस ये देख लेते ले लो, हम तो जीत गए जी, ले लो। नहीं क्या पाकिस्तानी है, इंडियन है? पाकिस्तानी है, इंडियन तो खैर अब देखते नहीं है, वो काफी अरसे ही हो गया। ठीक है, पाकिस्तानी की बात करें, मुझे नाम मैं आपको बता रहा हूं, नाम फिल्म में ड्रामे की एक्टर है, फिल्म की भी है ड्रामे की भी है, वो मायरा खान। मायरा खान जो है, ठीक है, इस तरह की दो तीन और, इस तरह की दो तीन और भी मायरा खान, नाम नहीं पता ना जी। सबा कमर, ये कहले वही, ठीक है। नहीं आप बताए ना कौन से आप... मतलब ठीक है, आप जो नाम ले रहे हैं ये सही हो, यही वाले होंगे ना नाम। और दिल करे पर्स में मलका शरावत की फोटो रखी है। नहीं यार फैन फॉलोइंग दम भाई, मेरे में भी रखी है ना, मैं मेरे भरा ने नहीं मेरे में ऐसी कोई बात है नहीं सब। नहीं वैसे तो ऐसे शौक नहीं है, अगर हुई तो इनकी हो गई या किसी पाकिस्तानी की हो गई, इंडियंस की क्यों रखी? मुझे ये बताएं आपको मलका शरावत का पता है? मुझे वो इंडिया की है ना, इतना पता ही नहीं पता वो कौन है या क्या। आपको कैसे पता कि इंडिया की है? वो ये पुराने दौर की है, कोई आपने देखी उनकी फिल्म? फिल्में देखते हैं। नहीं मगर आपको पता चल गया कि वो फिल्में देखते हैं और अब उनको मायरा खान, सबा कमर और महवेश हयात वगैरह, मतलब इतनी मसरूफियत होती जरूर है लेकिन टाइम निकल आता है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं आप। आपने वो फिल्म देखी हुई पंजाब नहीं जाऊंगी? देखी देखी हुई ना, तो वो महवेश हयात हैं जो उस फिल्म में थी। ठीक ठीक है, आपकी वो नहीं मेरी फिल्म नहीं थी, खलील रहमान कमर साहब की। फिर एक उनकी आई थी लंदन नहीं जाऊंगा, वो भी जो थी वो महवेश हयात थी। लेकिन हुण मियां साहब भी यही कह रहे हैं। जब वो चले गए थे तब भी आपको इतराज है, अब नहीं जा रहे तब भी इतराज? मैं खुश हां, ये खुश नहीं होते सब कह रहे, मैं लोगों को दसना चाहता हूं पक्के आए ने बब्बर शेर थे। यार बात हो रही है इस वक्त महवेश हयात की, तुमने मियां साहब कहां से बीच में ले आए? सर बात हो रही थी इमरान खान की, तो मियां साहब के चौपे आए फिर आए ना। छोड़ो यार तुम तो ना, आप जी सुकैना, आप ज्यादातर नेगेटिव रोल्स करती हैं, उस वजह से आपकी एक इमेज बिल्ड हो जाती है, लोग आपको उस कैरेक्टर के साथ रिलेट करते हैं। आपको कभी फेस करना पड़ा है कोई इस तरह का लोगों का फीडबैक जिस पर आप कहते हैं कि नहीं ये कैरेक्टर ऐसे है, नॉर्मली लोग उससे रिलेट कर लेते हैं, या आपको एक्चुअली समझना शुरू हो जाता है कि आप उतने ही रियल लाइफ में नेगेटिव हो? जब स्टार्टिंग हुआ था ये तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट ऑफर होती थी वो नेगेटिव ही होती थी, बट जब मैं उसको परफॉर्म करती थी और नीचे अपने लिए जो नेगेटिविटी मैं फैला रही थी उस पर मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ती थी लोगों से, तो मुझे लगता था ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन वही लोग जब मुझे रियल में मिलते थे तो मुझे लास्ट में ये कहते थे कि आप जैसा टीवी पर दिखती हैं वैसा आप बिल्कुल नहीं है, तो आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स क्यों नहीं करती? तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि एटलीस्ट मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। कोई ऐसे एक्टर जिनके साथ आपका काम करने का बहुत दिल करता है या कोई एक ड्रीम होता है ना इस एक्टर के साथ काम करना? आपने वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, कौन से वो एक एक्टर है जो आपके ड्रीम? तो खैर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जाल जिसमें अली काजमी मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे, बट मैं दोबारा चाहती हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ और वो काम बहुत कम करता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ड्रामास करें बार अली काजमी, अली काजमी जो राहत काजमी साहब के जो बेटे हैं, बिल्कुल अली काजमी के साथ। ना जैसे माशाल्लाह आप सुपरस्टार बन गई हैं और काफी देर से आप सुपरस्टार हैं, तो दुनिया की हर चीज आपने हासिल कर ली है, लेकिन एक मकसद होता है ना इंसान का कि अपना घर हो, कोई जीवन साथी हो, उसके बारे में कभी नहीं आपने मुझे बताया। अब मैं कितनी शर्टें चेंज करूं? मैंने कजन्स को नहीं बताना जरूरी समझा। आज बताएं कैसा लड़का होना चाहिए, कैसा दिखता हो, कैसे कपड़े पहनता हो, बिजनेस कैसा हो? खुद ढूंढ लूंगी अपने लिए, आप परेशान ना। नहीं आप तो ढूंढ ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कैसर भाई की नजर पड़ जाए तो वो भी आपको रेफर कर दें कि ये देखें मेरा भी एक नजर में आ गया जिस तरह का आप चाह रही थी। मैं खुद ढूंढूंगी अपने लिए। वो कह रही खुद ही ढूंढेंगी उन्होंने। ढूंढना आप नहीं है, चलो आप कैसा ढूंढेंगी पता तो ना आपके फैंस को, उस तरह की कटिंग कर लन सारे फैन। नहीं नहीं ना, जिंदगी में एक आइडियल भी तो होता है ना। नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी, ढूंढ लूंगी। अच्छा, फिर मैं सरप्राइज दूंगी सबको। तुसी सरक और 5000 मेनू दे, मेनू ते सरप्राइज दे। लेकिन जैसे मेरी ख्वाहिश है कि एक प्यारी सी लड़की हो जिसे मेरी शादी हो, अच्छा अच्छे कपड़े पहनती हो, जिम जाती हो, पढ़ी लिखी हो, तो आपका भी तो हो ना जिम? तो आप खुद जिम जाते? नहीं नहीं मेनू वड़न ही नहीं देंदे, वो कहंदे कि साडी चीज चोके लै जाएगा। तो इसी तरह मैं पूछना चाह रहा था, चलो अगर नहीं बताना चाह रही। वैसे आप कोई वर्कआउट शेकआउट करती हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह का शौक आपको? मैं जिम तो खैर नहीं जाती, लेकिन मैं वॉक करती हूँ।
अच्छा, तो वो मुझे लगता है वो बेस्ट पार्ट होता है। और ये कितनी देर वॉक करती हैं आप? 40 to 45 minutes आप करती हैं कहीं भी आप हो? शूट के बाद, क्योंकि आपको पता है 10 बजे के बाद ही ऑफ होता है, तो फिर मैं 10 बजे के बाद अपनी चीजें पूरी करके 1 घंटा जरूर खुद को देती हूँ। और वैसे कोई डाइट वगैरह नहीं? एक्टर्स को तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। डाइट मैं कर नहीं सकती हूँ आसिफ भाई, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। तुसी सियासतदान जी? नहीं नहीं, खाना खाने का। हाँ, खाने का मुझे बहुत शौक है। ये एक तो मुझे बता, नहीं भाई ये क्या, ये आपको देख के क्या ऐसा हो रहा है? या वैसे आप कोई करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, सिर्फ खाने भी रखा हुआ है? नहीं जी, खाना भी मेंटेन, डाइट और साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं? यू स्टिल वर्किंग आउट? अभी कर रहे हैं जी। कनेक्टेड रहना चाहिए, फिर बंदा फिट रहता है जी। नहीं बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी होता है। आप क्या फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, फिर ही आप काम कर सकेंगे। ये देखें वो कितना डेडिकेटेडली कर रहे हैं, आपको भी करनी चाहिए। आप सिर्फ वॉक पे रख के बैठेंगे? क्योंकि मुझे जरूरत ही उनको जरूरत है। मुझे वापस भी जाना है उसमें। क्या कराची वो कड़ा बस जहाज चलाते? वो तो पंजाब के अंदर है। घबराना नहीं है आपने देखे, ये ऐसी बातें ऐसी फैली होती हैं। आप खोल के जाएं, आप बताएं आपने कब जाना है कराची? शाम में। हाँ तो शाम में तो आप बिल्कुल, इसमें क्या है, आप जाएं। वो कौन सा बेचारे पीछे आ रहे होंगे कराची? हाँ तो खुद थोड़ी आते हैं सामने, काली गाड़ियां आती हैं सर। काली गाड़ी जो मशहूर हो गई है, तो इनको बताया कि वो काली गाड़ियां आपकी नहीं? नहीं, वो मैंने बता दिया ना, इनके लिए है, उनके लिए नहीं। देखिए वो सिर्फ मर्दाना फैसिलिटी अवेलेबल है। मर्दाना फैसिलिटी, आप बेफिक्र होकर जाएं। वैसे भी हमारे मेहमान हैं पंजाब के, और पंजाब के वैसे मेहमान नवाज लोग हैं, कोई ऐसी परेशानी। मेरे साथ भी हम मजाक ही कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हाँ जी, ये तो अभी बाकी प्रोग्राम के बाद डिसाइड करेंगे। नहीं, वो देखिए उन्होंने सिर्फ सुकैना को कहा है कि सुकैना के लिए मेहमान नवाज लोग हैं, आपके लिए मेहमान शबाज लोग हैं। सारिया गल मेरिया हमेशा दसी ना, वड़ैच वड़ैच वड़ैच, अज थी वारी सर जी। 1 मई की तुम पता छुट्टी होंगी, बैंक बंद। कलिम 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 या हबीब कलिम या चौधरी, عندما تنتهي ينفذ المال ولا تغرض في الهنا ثاني ايه قال سي سمجھ ائی جی میں نہیں ائی یکم مہینے بینک بند ہوندے نے نا اوتے جا کے گھبرا گئے اوکے کہ یار بینک تے بند نے تے میں کہ کوئی گل نہیں اے ٹی ایم تو پیسے لے لینے ہیں عندما ينفذ لذلك اخرج سلاستي في هذا بسبب اخرى ہاں جی کہندا اے ٹی ایم دے وچ گئے نے تے اپنا کارڈ انٹر کیتا वो पैसे तुम पता लिमिट ही होंगी है, वो एक पाया दूजा पाया तीजा पाया चौथा पाया, वो थोड़े थोड़े कटते कटते बाहर फिर लैन लगनी शुरू हो गई। हाँ। एक जगह से लैन लगी, दूजी जगह से लैन लगी, इन्ने कार्ड मारे। किन्ने कार्ड ने थोड़े को? या हबीब 10,000 यानी 10,000 10,000 एटीएम कार्ड ने सर इन्हें को शनाख्ती कार्ड भी मारे थे, पैसे निकल आते सर जी। इन्हें तो बैंक नहीं है साढ़े मुल्क जिन्हें एटीएम अकाउंट ने इन्हें को, लेकिन वो कहता है हिसाब थी। हाँ, कहना मेरे को बेहिसाब ने, मेरे अकाउंट ही बेहिसाब ने। ओ सर जी, इन्नी मुसीबत हुई, एक सड़क तो दूजी सड़क, उतो दूसरी गली च तीसरे बैंक, सतवें बैंक, और जिथे जाइए लाइन लगन लग पैन। वो तुम पता कैमरे लगे होंगे ने, वो कैमरे के उत्ते आ के इन रिपोर्टा हुई कि अखीर पुलिस वालों को लगा कि कोई अरबी लिबास पा के ना इंटरनेशनल हैकर हैगा। पुलिस मगर लग गई, अखीर एक एटीएम च बड़े हैं तो अगर पहले ही ऐसे चुकलोता से उन्हें वेखते हैं कि आ जा मेरे बालमा तेरा इंतजार। चकवाल फिर की किया? मेरा थाना मेरी मर्जी। कहते जी कोई सियासी बंदा ऐसा हो, नेक आदमी
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਈ ਫਰੋਮ ਆਰ ਗੈਸਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਮਾਲੂਮ ਅਈਵਾ ਅਈਵਾ ਮਾਲੂਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਅਈਵਾ ਹੁਆ ਸਿਆਸਤ ਅਲ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂ 1-to-1 ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 1-to-1 ਡਿਨਰ ਘਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾ ਬਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਮਾਈ ਨਿਊ ਬੌਸ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਬੌਸ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ 8:35 ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਾਲ ਆ ਗਈ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ ਆਹਾ ਕੱਢਿਆ ਦਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਟੇਬਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਲੈਤੀ ਖਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਲਨ ਬ੍ਰਾਂਡੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਹੋਏ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮਾਰਲਨ ਬ੍ਰਾਂਡੋ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਨਹੀਂ 5 ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸਹਾਫੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵਾਕਿੰਗ ਕਲਾਸਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਵਾਕਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਟ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਵਾਰਡਰੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਸਕਟਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਸਕਟ ਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਐ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਬੈਟਮੈਨ ਦਾ ਡਰੈਸ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਨੇ ਵੋ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੌਨ ਸਾ ਖਿਜ਼ਾਂ ਕੀ ਧੂਪ ਸੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਮੋਹਸਨ ਮੈਂ ਯੂੰ ਵੀ ਫੂਲ ਥਾ ਆਖਿਰ ਮੁਝੇ ਬਿਖਰਨਾ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬੌਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਬੌਸ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਓ ਨਈਮ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਕਿਉਂ
सर जी मैं पूरे प्रोटोकॉल ना छड़ के आवा। अरे उनके पास है सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे क्लास फेलो। क्लास फेलो सर बहाउद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी इकट्ठे पढ़ते सा। ना करे लो मैं ही तो छड़ के आंदा सा। छड़ के आंदा सा? हां जी मैं छड़ के आंदा सा। अच्छा हां उसले छोटे जे हैगे सन, मैनू उदों ही शक सी भई ये पाकिस्तान दे विच कोई आला ओदे ते फायज होणगे। अच्छा ते माशाल्लाह नहीं होए। अबे यार एमपीए हाले एमपीए ने ना अगों जाके सीएम बनना ने, सीएम फिर जाके पीएम बनना, पीएम फिर जाके प्रेसिडेंट बनना, फिर ते 10 साल दी सजा होनी। नहीं इस तरह होंदा ना यार, सियासत दी दुनिया विच ट्रेंड करके ले आना पैंदा। सर जी जदों दा पाकिस्तान बने मैं सियासतदानां दे नाल है करना जी, ते माशाल्लाह सुखैना जी नूं बुलाया ते दसिए ही नहीं। सर इहनां दा ड्रामा नहीं गा नूर परी हूर परी। क्या ड्रामा सर तुसीं कीता, मेरे बच्चे भी तुहाडे फैन हैगे ने माशाल्लाह, ते खैर नाल आए ने। सियासत दी दुनिया दे विच अगर एक दो बंदे जिन्हां दा मैं फैन होया, उन्हें जो पहले बंदे सफदर साहब। अच्छा सर एडी कमाल फैन, मैं तो पूरी फैमिली नूं जानना। अच्छा एडे नेक शरीफ लोग पता नहीं सियासत विच क्यों ने। ये भी अल्लाह वालों ही है जी, बाद का लोगों की किस्मत खिदमत लिखी होंगी है। हाँ। ते भाईजन की किस्मत लिखी है, बिल्कुल बहुत खिदमत कर देने जबरदस्त कितने अपने हल्के च अपने हल्के च कर देने माशाल्लाह। चौथी बारी एम पी ए, पहली बारी बने ने, दूजी बारी बने ने, मैं क्या तुसी तीजी बारी भी बनोगे, बने ने। मैं क्या तुसी चौथी बारी भी बनोगे, बने ने। अगो वेखी जाएगी फिर जिन्हें हालात होंगे। भाईजन मैं एक फोटो लेनी सर जी, ए माशाल्लाह एक फोटो मैं अपने बच्चों नूं जाके दसांगा भी नेक सियासतदान भी दुनिया। मैम जी तुहाडे नाल फोटो लैण दे बहाने उहनां दी मैं फोटो लई। ਬਈ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। वेलकम बैक जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरा सवाल सर से है कि आपकी जो हुकूमत है उसने इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, क्या आपकी पार्टी नवाज शरीफ को इस काबिल नहीं समझती कि कम से कम उनको डिप्टी वजीर आजम ही बना दिया जाता है? कह रहे हैं कि मियां साहब को क्यों नहीं बनाया डिप्टी वजीर आजम? देखिये पहली बात तो ये कि पार्टी का डिसीजन है, जो भी इसमें किसी एक फर्द वाहिद का नहीं होता। और सेकेंडली मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं और माशाल्लाह से 3 दफ़ा रहे, और सिर्फ वजीर आजम नहीं, उन्होंने मुल्क को डिलीवर करके दिखाया। तो अभी भी हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, जो पार्टी की लीड थी इलेक्शंस में, यही थी कि अगर हमें इतनी मेजॉरिटी मिलती है कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टरशिप आती है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार थे। लेकिन अनलकीली कह लें, जैसे भी था सिस्टम, हालात बने तो ये सिस्टम चल रहा है, इसको चलने दें। अभी आहिस्ता, सबको पता है हालात जिस तरह बने हैं, जो सिस्टम के साथ तबाहियाँ की गई हैं, इनको सीधा करने में वक्त लगेगा। तो ये मियाँ साहब की टीम है, हम भी उनकी टीम का हिस्सा हैं, कोशिश कर रहे हैं मुल्क के जो हालात जिस लहज पे चले गए थे उनको अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ ले गए। कब तक बेहतर हो जाएंगे ये थोड़ा सा वक्त भी तो बता देना सर। ये एग्जैक्टली वक्त तो नहीं खैर बताया जा सकता, लेकिन आपके सामने देखें, जब भी मुल्क के हालात इस लहज पे पहुँचे तो इसको ठीक किसने किया? हमारी पीएमएल पाकिस्तान साहब ने और मियाँ साहब की जितनी भी एफर्ट्स हैं, जो जितनी जद्दोजहद है, वो इस मुल्क के लिए, जिस तरह भी आप देख रहे हैं आजकल इकॉनमी के हालात है, ये आज से 6 महीने पहले आप देखें, आपके मतलब यहाँ पे एक कहराम मचा हुआ था कि शायद यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, सबकी कलेक्टिव एफर्ट से वो चीज़ें कंट्रोल में आई। अब भी जब थोड़ा सा सिस्टम चलने लगता है फिर दरमियान में रुकावटें ये वो, लेकिन हमारा जैसे पहले एक फर्म बिलीफ था, अब भी है कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और काम करेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क कौम की तरक्की में अपना मुस्बत और भरपूर किरदार था। अल्लाह बेहतर कर जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असर आजा, मेरा क्वेश्चन मैम से, आपने टीवी पर भी काम किया और सिल्वर स्क्रीन पर भी काम किया, किस पर काम करके ज़्यादा मज़ा आया और बजट के लिहाज से कौन सा बेहतर है? ऑफ कोर्स टीवी पे, और फिल्म का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो वासिफ भाई जानते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो मज़ा आया वो टीवी स्क्रीन पर आया, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर आपको वैसे शौक है फिल्मों में काम करने का? नहीं वैसे कुछ खास नहीं। You are not really looking forward to that. मैंने एक की थी, उसके बाद मैंने कहा अब नहीं करनी, आई थिंक वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि वो मैं नहीं कर सकती। ओके ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कबीर बलोच है और मेरा सवाल मैम से है। मैम आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं
आपके अपनी एक्टिंग या फिर आपके लुक पर? अगर मेल्स की बात की जाए, जो मेल होते हैं वो अक्सर मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो मुझे कहती हैं कि आप बहुत प्यारी दिखती हैं। तो ये मुझे उल्टा कुछ सुनने को मिलता है। क्या इसका मतलब आप ये अखज करेंगी कि बॉयज को आप प्यारी नहीं लग रही? बहुत प्यारी। मैंने सही कहा था कि बॉयज को प्यारी नहीं लग रही। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे कि इन फ्यूचर आप कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगी? एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगी? सबा कमर के साथ, क्योंकि मैंने उनके साथ अभी तक काम नहीं किया। सबा कमर के साथ? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब ऑडियंस का नेगेटिव फीडबैक आता है तो आप उनसे किस तरह डील करती हैं? स्माइल करके, क्योंकि इससे ज्यादा बेस्ट कोई तरीका नहीं है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्मा। मेरा क्वेश्चन सर से है, दूसरे ममालिक में टिकटॉक बैन हो रही है, लेकिन हमारे वज़ीर आला टिकटॉक पर ही सियासत करती दिखाई दे रही हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं? टिकटॉक के हवाले से जो आप बता रही हैं, ये मतलब इसके प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो इसके फ़ायदे भी हैं इस हवाले से कि आप अच्छा मैसेज अपने ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि मैं खुद से अपने, मेरे भी टिकटॉक ये इलेक्शन के दौरान हमने स्टार्ट किए थे, तो मुझे पहले तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता था कि ये पता नहीं, ये तो काम जिनका करने वाला वो करे, लेकिन बाहर कैफ वो एक अच्छी उस पर आपको फीडबैक मिली, तो इसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी साथ साथ है। मैं एक सिंपल सी बात बता दूँ, पहले हमने खिदमत की लेकिन हम अपने काम की तरफ तवज्जो करते थे। ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये हमारी कमी रही है, इस बात पर कोई शक नहीं। और उसका फिर हमें खुमियाजा इलेक्शंस में एक बड़े खौफनाक प्रोपेगेंडा की शक्ल में फेस करना पड़ा, तो अब उस चीज़ को भी काउंटर करना है हमने, और साथ काम भी करना है, और अब उसको शो ऑफ भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए ये सोशल मीडिया और आपका मीडिया, ये एक बेसिक टूल है। तो आप टिकटॉक यूज़ करते हैं खुद? जी मैं करता हूं। आप करती हैं सुकैना? जी। आप भी टिकटॉक यूज़ करती हैं? जी जी। किसका सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान आशिक है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली 3 मिलियन टन गंदम इम्पोर्ट की है, और वो भी दीमक ज़्यादा, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है वो भी पाकिस्तान की तरक्की को दीमक की तरह चाट रहा है? जो बात की, इस बात में कोई शक नहीं है, हमारे सिस्टम में जो दीमक चिपक गई है, जो इसका लग गई है, उसको ठीक करने के लिए भी आखिरकार किसी ने आगे आना है, और हमने उसका साथ देना है। अगर तो अल्लाह ताला ने हमें जितना हमें इख्तियार दिया, हमें अपनी ड्यूटी वो ज़रूर करनी चाहिए। बाकी जिस तरह अभी आपने कहा कि गंदम इम्पोर्ट की, ये तो एक कमोडिटी आप बता रहे हैं, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो आप सब बखूबी जानते हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि अब दोबारा से गड़े मुर्दे उखाड़े, फ़ायदा कोई नहीं। अब इसको हम अगले मूव ऑन करें और चीज़ों को ठीक करें। तो ये इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे सिस्टम में खराबियां हैं, तो हम अगर यही करते रहेंगे, क्रिटिसिज्म करते रहेंगे, तो आखिर करेगा कौन इसको ठीक? उसके ठीक करने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दें। पहले भी आप साथ हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। आप हमारे अवाम ने, हमारे भाइयों ने, हमारे अहबाब ने मैंडेट दिया है, तब जाके ये गवर्नमेंट्स बनी है, अब डिलीवरेंस शुरू हुई है। अभी आपको पता है ये हुकूमत का आगाज़ है, इसी थोड़े अरसे में काफ़ी सारी तब्दीली आपने देखी, तो जैसे जैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह ये इस चीज़ का, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि 100% होगी, 100% कहीं भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम एफर्ट्स करते हुए और उसके रिजल्ट नजर आएंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है। मेरा सवाल मैम से है। मैम, अक्सर एक्टर्स कहते हैं कि नेगेटिव रोल प्ले करना आसान है क्योंकि इसमें एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा होता है, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, और आप किस करेक्टर में रोल प्ले करना पसंद करती हैं और क्यों? मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही पसंद है, वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है परफॉर्म करने का, और बहुत ज़्यादा लाउड भी होता है, और जो पॉजिटिव होते हैं उनके पास सिवाय रोने के और जी के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही पसंद है। नईम और सुकैना, हम आपके साथ अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। अगर आप चाह रहे हो कि जवाब नहीं देना या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर, जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5,000। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि वेयर यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, तो बताइए कौन पहले शुरू करेगा? लेडीज फर्स्ट कर। ये बताइए सुकैना जी के आपकी जिंदगी ये फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबूर अली और रमशा खान। कैरेक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नहीं, आपका ही कैरेक्टर है, बायोग्राफी है। अच्छा, मेरी अपनी लाइफ का? आपकी लाइफ। सबूर करे वो। ठीक है, ये बताइए मैडम, टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, एक का काम आप बार बार देखेंगी, एक का काम आप एक बार देखेंगी, और एक का काम पे फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, रमशा खान अच्छा, और एमन खान। और कोई नाम नहीं है? नहीं, यही नाम।
अच्छा ऐड कर सकते हैं नाम? नहीं नहीं, आप क्यों ऐड करी? मैं ऐड कर रहा हूं, यहां से नाम ऐड करना चाहता हूं। यहां से क्यों ऐड करें? यहां से नाम तो दिल पे ऐड करें। जी तो आप यहाँ पे जवाब देना चाहेंगे, जनरल नॉलेज में जाना चाहेंगे? मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो, उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं यहाँ पे देना चाहती, जनरल नॉलेज को ट्राई करूंगी। तो मैडम ये बता दीजिए, आपने वर्ड सुना होगा यूनेस्को, ये एब्रीविएशन है किस चीज की, पूरा जुमला क्या है? मैं कहती हूँ आप वापस इधर आ जाए, समझ आएंगे। ठीक है, तो बताइए किसका काम बार बार देखेंगी आप टीवी पे? आप बार बार देखूंगी कुबरा, रमशा और एमन है, तीनों रमशा खान का, किसका आप एक बार देख लेंगी? सॉरी बट एमन, एमन ठीक है। और तीसरी कैटेगरी आपने रखा कुबरा को, कुबरा क्या आप जो भी फिलहाल कमरे से बाहर जा रही हैं, ठीक है वो कुबरा है। ये बताइए मैडम के चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल दो यू विल कम बैक, ठीक है? तो आप किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ओके, ऑप्शन आपके पास जो है वो है आगा अली और हमायूं अशरफ। आगा अली को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमायूं सईद, हमजा अब्बासी और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? इमरान भाई के साथ। इमरान भाई के साथ सेल्फी होगी, स्माइल किन को देंगी? हमायूं भाई को। हमायूं भाई को आपने स्माइल दे दी, और फ्लोर किसका आ गया? हमजा भाई, आपका फ्लोर आ चुका हुआ। सारे भाई थे हिरवन, फिर मेरे ना करोगे तुम? तो बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं साहिर लोधी, मौलाना फजलुर रहमान और नईम सफदर। मैं अकेली जाना चाहती हूँ। काश कैसा हो पाता, साथ में एक और वीआईपी पास भी है आपके पास, इसलिए सिर्फ अगर डुबोना है तो मैं तीनों को ले जाती हूँ, लेकिन अगर एक ऑप्शन वापस आने का नहीं डुबोना नहीं, मैं रैंक नहीं ले गया, नहीं भाई रैंक नहीं ले गया, एक को लेके जाइए, क्वेश्चन ही आपकी हम पूरी कर सकते हैं, और ये भी पता नहीं हो सकता वापस भी आप आ जाएं, बट नॉनदलेस इट्स अ टाइटैनिक ट्रिप। कि फजल रहमान का वजन ज्यादा है, तो ऐसा ना हो मंजिल तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, शायद पहले डूब जाऊं। ठीक है नईम साहब, आप अपना खोल के बताएं, जो नॉलेज मौजूद है इट्स अप टू यू। मैं सर को ले जाऊंगी साथ। नईम साहब आप जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ये पिया साहब की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। आप थोड़े मुझे बताएं, टाइटैनिक देखी हुई आप? जी मेरा ख्याल है देखी, देखी हुई है, ठीक है। बस डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मुनीब भट्ट और जैन बेग। जैन बेग हैं, मुनीब भट्ट को उन्होंने सेव नहीं किया, ठीक है। जी नहीं भाई, सर आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर उसके अंदर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और अली जफर। मैं फवाद खान, ठीक है फवाद खान ठीक रहेंगे, ठीक है। सर ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिनको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल दो यू विल कम बैक, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान और राणा मशहूद। राणा मशहूद, राणा मशहूद चांद पे चले गए हैं। सर ये बता दीजिए, इससे आगे वाली ऑप्शन थोड़ा एहतियात से दी, आपके लिए ये फन होता है, हमारे लिए बाद में काम हो जाता है। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज, मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमजा शहबाज साहब, जनाब परवेज रशीद और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? हमजा साहब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। और फ्लोर किसका आ गया? वो मेरा आ गया जी। तीसरी ऑप्शन में छोड़ा गया है परवेज रशीद साहब को। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन जो हैं वो हैं सुकैना खान और शेर अफजल मरवत। ओह माय गॉड, वैसे ये ऑप्शन आसान है, शेर अफजल को लेके जाएंगे। शेर अफजल को लेके गए हैं वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप नईम साहब किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं अरीज फातिमा और सुकैना खान। ओए होए होए,
ये मैं इनको ही दूंगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी आना पड़ेगा, इनका तो पता नहीं, ये तो पहली दफा में ही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नईम, बहुत बहुत शुक्रिया सुकैना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।